आचार संहिता में अब तक 370 करोड़ का सीजर हुआ है। आचार संहिता के 15 दिनों में 2019 के लोकसभा चुनाव से 725% ज्यादा सीजर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई थी 51,42,00,000 की अवैध सामग्री जब्त, लेकिन इस बार सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। ऋतुराज जी, इसे लेकर भी जरूर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि 15 दिनों में ही 2019 में जो सीजर हुआ था उसका 725% ज्यादा अब तक हो चुका है। कई कारण समझ में आते हैं श्वेता, क्योंकि जो पिछली एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, और ऐसा नहीं है कि एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अभी काम शुरू किया, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ, और चूंकि ईसीआई ने भी जो जिस तरह से निगरानी कर रखी है और मॉनिटरिंग कर रखी है, उसका नतीजा यह है कि जो सीजर है उसकी तादाद खासी बढ़ गई है, और 725% ज्यादा सीजर इस बार हो पाया है, क्योंकि जो 51.42 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और अब तक ही 370 करोड़ का सीजर कर दिया गया है, जिसमें सोना चांदी की कीमतें, मुफ्त उपहार और जो नकदी है वो बरामद की गई है। काफी बड़ी संख्या है जो अवैध सामग्री की, वो बरामद यहाँ पर की गई है। इसमें सबसे ज्यादा जोधपुर में अवैध सामग्री जब्त की गई है, जयपुर में भी खासी तादाद में अवैध सामग्री जब्त की गई है। तो जैसे कि निर्देश थे ईसीआई के, उस अनुसार काम हो रहा, और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में भी इसमें रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, और अग्रणी राज्यों में रहा था, जब जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए थे वहां वहां अग्रणी राज्यों में राजस्थान रहा था, तो इस बार भी उसी परिपरिधि पर जो निर्वाचन विभाग की मॉनिटरिंग के साथ चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।